की टूटी डोर है, दिल उलझा है अभी तक, कब की टूटी डोर है, अश्कों में डूबा रहा हुई रात से भोर है, पर धड़कने रुक जाएगी ओ पगले तू सुन जरा, वो है किसी और का उसका कोई और है। और ये अंतिम लाइन मैंने देख ली कि वो है किसी और का उसका कोई और है, तो रोने धोने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं अपने ट्रैक पर आ जाता हूँ। तो जो लोग यहाँ पर शिकायत कर रहे हैं, कुछ लोग भाई पीछे कह रहे थे बैठने की जगह नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ शब्द रस बरसाने के लिए जगह तो मिल रही है। मैं जयपुर में सबसे बड़ी समस्या जगह नहीं मिलती, रस बरसाने के लिए जयपुर में जगह नहीं मिलती। एक पुलिस स्मृति बने वहां भी पिछले दिनों तेंदुआ घुस गया परिवार से, अब उसको कौन समझाए वो परिवार के साथ घूमने लायक जगह नहीं है। तो अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, वैसे बहुत कुछ था लेकिन मुझे बांध दिया गया है, तो मैं अपनी एक रचना सुनाता हूँ जो कल ही लिखी है। वो बहुत वंदनीय रचना है, बहुत आदरणीय है सासू माता। हाँ, दामाद जी लिखते हैं सासू माता को कि मेरे पीछे बैठे आदरणीय। जब मैं पहली बार लिखना शुरू किया था बनर्जी के घर गोष्ठी में, तो मेरे दोहे में 14 मात्रा हो रही थी, सब सर ने मुझे गाइड किया था, इनको तो याद भी नहीं होगा। तो अब मैंने लिखने का प्रयास किया है कि नमो नमो हे सासू माता, ससुर के घर की भाग्य विधाता, मेरे घर की भी कह सकते हैं क्योंकि तुम जैसी रोटी माई जैसी बेटी। तो नमो नमो हे सासू माता, मेरे घर की भाग्य विधाता, करके हिम्मत धर के धीरज मैं ये मन की व्यथा सुनाता। नमो नमो हे सासू माता, मेरे घर की भाग्य विधाता। अब देखिए चोट कहाँ हुई कि उसने तुमने कहा मेरी बेटी भोली, तुमने कहा मेरी बेटी भोली, जब लेकर आया मैं डोली। दुल्हन की माँ का फेवरेट डायलॉग के साथ बच्ची सी दिए ध्यान रखना, तो घराने के बाद पता लगता है कि है तो गाय पर मारने वाली गाय है। कि तुमने कहा कि बेटी भोली, जब लेकर आया मैं डोली, अंगारे बरसाती है अब गुस्से में जब निकले बोली, वो चिमटे बेलन की बातें, वो चिमटे बेलन की बातें, याद करूं तो जी घबराता। नमो नमो हे सासू माता, मेरे घर की भाग्य विधाता। दिनचर्या सुनिए कि चाय बनाकर उसे जगाऊं, सुबह सुबह मैं लाड लडाऊं। हमारे कवि हैं, उनसे मैंने कहा कि भाई सुना घर का सारा काम तुम करते हो, बोले नहीं नहीं दुनिया अफवाह फैलाती, हम आधा आधा काम करते हैं। वो सुबह उठ जाती है, मैं चाय बना देता हूँ, मैं गर्म पानी करता हूँ वो नहा लेती है, मैं टिफिन बनाता हूँ वो खा लेती है, मैं ऑफिस जाता हूँ वो सो जाती है, शाम को फिर मैं खाना बनाता हूँ फिर वो खा लेती है, वो सो जाती है, मैं पैर दबा लेता हूँ। बोले सारा काम बराबर। चाय बना कर उसे जगाऊं, सुबह सुबह मैं लाड लडाऊं, फिर जो उसका मन हो जाए तो खाने की आस लगाऊं, उसकी बातों में दिन गुजरे उसकी सेवा में जग राता। नमो नमो हे सासू माता, मेरे घर की भाग्य विधाता, और गरज पड़े तो उसके तेवर जैसे कोई मीठा घेवर, प्यार लुटाती है वो मुझ पर, लेना होता है जब जेवर, मगर काम की बात करूं तो चंडी रूप का दर्शन पाता। नमो नमो हे सासू माता, ससुर के घर की भाग्य विधाता। और अंतिम ये है कि जो लाओ अगर रात को 12:30 बजे कोई ऑनलाइन दिख जाए, दिन भर ऑनलाइन ना हो, और अगर दिन भर ऑनलाइन ना होने के बाद शाम को स्टेटस अपडेट करे कि फीलिंग सैड, तो समझ लेना रात में बच्चे का पत्ता कट गया। और वो ये मुक्तक लिखेगा कि दिल के टुकड़े हो गए, खाई ऐसी चोट है, काश कि पहले समझ लेते मन में तेरे खोट है, और आधी रात से हमें तूने पराया कर दिया, इंसान है हम सब या 1000 का नोट है। जब 1000 का नोट बंद हुआ, तो 1000 का नोट बंद होते होते एक कवि ने कहा कि इस जमाने में सब नोटबंदी के पीछे भग रहे हैं। मैंने कोई नई बात थोड़ी है, मैं तो देख रहा हूँ कि बहुत जमाने से नोटबंदी के पीछे ही भग रहे हैं। हाँ, कभी मेकअप का खर्चा, कभी कपड़ों का खर्चा, कभी इसका खर्चा, कभी उसका खर्चा, और गलती से गलती हो जाती इज्जत बचाने का खर्चा। तो